नगरी छतरपुर में राजमहल परिसर में गोवाष्टमी के दिन रासलीला का आयोजन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पवित्र कार्तिक माह में रियासत काल में ही राजमहल में बने प्राचीन भगवान राधा कृष्ण मंदिर में कार्तिक की पूजा कर रासलीला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कीर्ति विश्वकर्मा सहित नगर की सैकड़ों महिलाओं ने राधा कृष्ण की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर राधा कृष्ण का सजीव चित्रण आकर्षक का केंद्र रहा। राजभवन परिसर में प्राचीन राधा कृष्ण का मंदिर है जो यहाँ के राजाओं ने बनवाया था। इस कार्यक्रम में सभी महिलाओं ने राधा कृष्ण की रासलीला में गीत गाकर नृत्य का आनंद लिया। सबसे पहले तो हम राम राजा सरकार के दरबार में खड़े हैं। अच्छा। तो नमन करते हैं। जैसा कि आपने आज प्रोग्राम देखा कि कलाकारों को छेड़ने का कार्यक्रम। अच्छा। है और ये कार्यक्रम आज गोपाष्टमी के दिन किया जाता है और ये कार्यक्रम हमारी रियासत के जमाने से हो रहा है। अच्छा। हमारे महाराज साहब इस कार्यक्रम को करवाते रहे, कलाकारों को छेड़ते रहे और बताशा मखाने बांटते रहे। अच्छा। और ये प्रथा अभी भी चली आ रही है और हमारे नाती राजा जी अभी भी इस कार्यक्रम को कराते हैं। यहाँ कटकारी आती है, राधा कृष्ण को स्वरूप दे के बिठाया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है और यहाँ पे बाकायदा रासलीला होती है और हम इस कार्यक्रम में काफ़ी समय से हर बार उपस्थित होते हैं। अच्छा जी। और मंदिर पे तीन लोग आते हैं, पूजा करते हैं, इसका क्या रासत क्या संबंध है? बिल्कुल संबंध है। और कार्तिक का आप जानते हो कि कार्तिक में एक महीने कटकारी पूजा करती है। अच्छा। जैसा कि आप जानते हैं कि राधा कृष्ण की पूजा होती है, आप आगे भी देखेंगे एकादशी के दिन उनका विवाह होगा। इसी सब चीज़ों से उनका उद्देश्य रहता है कटकारी होगा और आज आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है। हम राधा और कृष्ण के चरणों में नमन करते हैं। इसी तरीके से हर साल भी अपने तरह तरह के स्वरूप देते रहे और हम सबके ऊपर छतरपुर वासियों के ऊपर आशीर्वाद देते रहे। इसी के साथ धन्यवाद। अच्छा, कोई कमी नहीं है। अच्छा। हर चीज बसाता है, जो कुछ भी है ये भगवान के लिए अर्पण करते हैं। अच्छा। और फिर इसके बाद भगवान का रासलीला होता है। आज गजवासे के टाइम से 2000 काफी दिन से हो गया, प्राचीन समय चला रहा है। प्राचीन समय से मंदिर ही बहुत भव्य पुराना है। हाँ, बहुत पुराना मंदिर है। रामलला सरकार का, इसमें कोई कमी नहीं। अच्छा। भगवान राजा राम नाती राजा की कृपा से सब यहाँ हो रहा है। अच्छा। स्टेट टाइम से हो रहा है। अच्छा। कत्कारीन और प्रसाद वितरण हो रहा है। हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। समय चला रहा। अच्छा।
ये आनंद पूर्वक मनाया जाता है। आनंद पूरा एक महीना चलता है, हर हर जगह अलग अलग चलता है। आज गोपाल मेलों में चलता है, राज घराने के पेटे को अभी भी आस्था है आप लोगों में? अभी जी, अभी भी आस्था है भगवान के। यहाँ चूल्हा क्या मनाया जाता है? बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया। जब हम लोग आते थे चूल्हा खुला था, यहाँ दिवाली भी होती थी और ठाकुर भी पूजती थी। अब तो यहाँ का सब बिक गया, न कहीं ठाकुर पूजने के लिए जगह है, न कहीं शोर पे नहीं आती। अच्छा, पहले बहुत आती थी, बहुत नियम होता था कि कहीं भी यहाँ सब पूरी औरतें ठाकुर पूजने के सम्मान दिया जाता था। या मतलब भगवान ढूंढने आप लोग आते हैं? नहीं नहीं, भगवान ढूंढने आते हैं। ऐसा शुरू से ऐसा नियम था जब राजा का राज था कि वो वहाँ के कहीं को छेकते थे। अच्छा, छेकने के बाद वो मिठाई उठाई बांटते थे, ऐसा अच्छा। नियम था। अब वो राजन का राज चला गया, लेकिन नियम वो अभी भी चल रहा है, परंपरा मत रहा। लेकिन भगवान नहीं मिलते यहाँ, भगवान तो मिलते मतलब वो तो यहाँ बुलाते थे। रास होती है भगवान का? हाँ, यहाँ रास होती है, पूछते थे भगवान का पट मंदिर प्राचीन समय का बनवाया हुआ है। अरे हम छोटे थे, हम 60-70 साल।